राशन डीलरों ने मनाया विरोध महोत्सव, काली पट्टी बांध कर किया राशन वितरण। रविवार को ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के राशन डीलरों ने विरोध महोत्सव मनाया। इस दौरान पूरे प्रदेश के सभी राशन डीलरों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांध कर राशन वितरण किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि जब ई पास मशीन से वितरण किया जाता है तो बिक्री रजिस्टर एवं प्रमाण पत्र की व्यवस्था समाप्त की जाए। सरकारी शासन आदेश के अनुसार दुकानों पर पूरा खाद्यान्न पहुंचा दिया जाए। कहा कि कोरोना वायरस में अन्य विभागों की तरह कोटेदारों को भी कमीशन दिया जाए जैसे अन्य प्रदेशों में दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में राशन डीलरों का कमीशन 70 रुपए प्रति क्विंटल है जबकि अन्य प्रदेशों में 250 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल। कहा कि सरकार हमारी सभी मांगों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि बीते दिन भोजपुर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते राशन डीलर पति की 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर सभी राशन डीलर इस घटना की घोर निंदा करते हैं और कहा कि हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि राशन डीलरों को सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। राशन डीलर भी शासन और प्रशासन का एक अहम अंग है और उन्होंने कहा कि राशन कोटेदार के ऊपर हो रही झूठी शिकायतों की भी निष्पक्ष जांच की जाए। कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज अनाज विरोध महोत्सव के रूप में राशन डीलर पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर ये अनाज विरोध कोटेदार विरोध महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। सरकार से हम अपनी मांगों को लेकर लगातार लंबे समय से ज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराते चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 70 रुपए की कमीशन से राशन डीलर राशन वितरण कर रहा है और प्रदेशों में 200 रुपए 200 से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल तक कमीशन है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारा कमीशन भी और प्रदेशों के बराबर होना चाहिए। जैसे कि कोरोना काल में हमारे राशन डीलर की मृत्यु हुई है, उनके परिवार को 50 लाख रुपए का बीमा मिलना चाहिए क्योंकि गुजारा करने के लिए राशन डीलर के पास ऐसा कुछ साधन नहीं है जिससे अपना गुजारा कर सके। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी 2001 से अभी तक जो स्कूल के मिड डे का भाड़ा है अभी तक नहीं मिला है, तो हम सरकार से कहते हैं वो भी हमारा दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद।